हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स मैथवेशन अभिराज बोल स्कूल। टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो टुडे बेसिकली आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। सो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। So let me tell you something about the author. Khushwant Singh was an Indian author, lawyer, journalist and politician. So Khushwant Singh kaun the? He was a well-known Indian author. He was a lawyer, journalist and a politician as well. So let's discuss the title of the story. The Portrait of a Lady. So what is the meaning of term portrait? पोर्ट्रेट का क्या मीनिंग होता है? यू मस्ट हैव सीन सम ड्रॉन पिक्चर ऑफ समवन। किसी की ड्रॉ की हुई पिक्चर, फोटोग्राफ, दैट इज पोर्ट्रेट। सो वी कैन ऑल्सो से दैट अ पेन पिक्चर ऑफ समवन्स कैरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड अ पोर्ट्रेट। पेन पिक्चर मीन्स व्हेन यू डिस्क्राइब समवन इन योर वर्ड्स, ओके, व्हेन यू डिस्क्राइब the life of someone or when you describe a character of some person, it is also called portrait. So the portrait of a lady. Now can you guess who is the lady here? यहाँ पे lady कौन है? किसका portrait बनाना चाह रहा है author? Lady is author's grandmother. Lady कौन है? Author की grandmother. So the portrait of a lady is a chapter in your book. It is the first chapter of your book, and in this chapter Khushwant Singh, who's the writer of the chapter, he tries to portray his grandmother in words, through words. Words ke through the author is trying to create a picture of his grandmother. So let's discuss the important word meanings of the chapter. Number one, mantelpiece. What is mantelpiece? Mantelpiece is a shelf above a fireplace. So if there is a fireplace and uske upar ek shelf hota hai, angithi ke upar ek shelf hota hai, okay? So that is called mantelpiece. Number two, fables. Fables are legendary tales with moral lessons. फेबल्स क्या होते हैं? लेजेंडरी टेल्स, टेल्स ऑफ द लीजेंस, ओके, इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल पीपल होते थे या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो होते थे उनके स्टोरीज विद मॉरल लेसन्स, विद मॉरल लेसन्स, जिसमें हमें एक मॉरल लेसन मिलता है, दोज आर फेबल्स. प्रोफिट्स, गॉड्स मैसेंजर्स. सो मैसेंजर्स ऑफ गॉड, गॉड के जो मैसेंजर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉफिट्स. हॉबल्ड, वॉक्ड लेमली, लंगड़ा के चलना, इट्स कॉल्ड हॉबल्ड, वॉक्ड लेमली. सो इट इज अ पास्ट टेंस. हॉबल्ड इज अ पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड हॉबल, ओके. सो वॉक्ड लेमली, लंगड़ा के चलती थी. बीड्स ऑफ हर रोजरी. नाउ व्हाट आर बीड्स ऑफ हर रोजरी? इट रेफर्स टू small balls of string of beads used for prayer. So the author's grandmother, she used to keep a string of beads with her, aur wo mala japti rehti thi. So the small balls of a string of beads, mala ke jo chote chote dane hote hain, those are called beads of her rosary. Silver locks refers to white hair. कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स मेंटल पीस, दिमागी शांति को बोलते हैं कंटेंटमेंट. फेच, टू फेच मीन्स टू ब्रिंग. प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वॉटर. सो प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर फॉर मी. सो फेच मतलब होता है ब्रिंग. मोनोपोली, वॉट इज मोनोपोली? मोनोपोली मीन्स वंस एक्सक्लूसिव राइट, किसी का हक, ओके, किसी का हक जो होता है, इंडिविजुअल राइट, इज कॉल्ड मोनोपोली. सैगिंग,
हैंगिंग लूजली, टू हैंग लूजली, इफ समथिंग हैंग्स लूजली, किसी की स्किन फॉर एग्जाम्पल लूज है, लटक रही है, सो इट इज कॉल्ड सैगिंग. डिलैपिडेटेड, वॉट इज डिलैपिडेटेड, मतलब रूइंड, ओल्ड एंड बर्न आउट, जो चीज़ पुरानी हो जाती है और जो फटने लगती है या फिर जो वीक हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स टू वर्न आउट, इट इज कॉल्ड डिलैपिडेटेड. प्रोटेस्टेड, अपोस्ट, प्रोटेस्टेड मतलब अपोस्ट. श्राउड, क्लॉथ स्प्रेड ओवर डेड बॉडी, जिस कपड़े से हम डेड बॉडी को कवर करते हैं दैट इज कॉल्ड श्राउड. मोर्निंग, मोर्निंग मीन्स लेमेंटेशन, किसी भी चीज का शोक मनाना इज कॉल्ड मोर्निंग. ब्लेज, ग्लो, शाइन. लेट्स नाउ लुक एट सम ऑफ द रेफरेंसेस और एक्सप्रेशंस फ्रॉम द स्टोरी. नंबर वन, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. सो वॉट थॉट इज टॉक्ड अबाउट हियर, किस थॉट की बात करी गई है यहाँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स द आइडिया वॉज डिस्गस्टिंग. ओके, द थॉट दैट ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी वॉज हार्ड टू बिलीव. सो इट वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव दैट ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी. सो ऑथर के लिए ये चीज माननी बहुत मुश्किल थी कि उसकी ग्रैंड मदर कभी यंग एंड प्रिटी भी हुआ करती थी, बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी. एन एक्सपैंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, इट रेफर्स टू द काम एंड पीसफुल नेचर ऑफ ग्रैंड मदर. She is compared to white landscape in the mountains. So this expression, an expanse of pure white serenity, it refers to the calm or peaceful and peaceful nature of grandmother. Grandmother ka bahut calm, bahut shant and peaceful nature. Okay? So she is also compared to white landscape in the mountains. White color is the symbol of purity, calmness, peacefulness. Yes, so that is why grandmother is compared to white landscape in the mountains. As the white landscape is very clear, very clean, in the same way, grandmother was also very calm and peaceful. A turning point. Now, what do I mean by a turning point? It refers to the point where author's relationship with his grandmother changes after they move to the city house. Now, what is turning point? Turning point wo point hai, it refers to that point jab author ki aur relationship uski grandmother ke sath change ho rahi thi. When they moved to the city house, jab wo city house mein move kar gaye the. So a turning point means ek point jab a changing point, jab ek change aata hai. Okay, that is called a turning point. Accepted her seclusion with resignation. This means how calmly and easily the grandmother accepted her aloofness. How calmly, बहुत calmly और easily grandmother ने अपने अकेलेपन को कबूल कर लिया था. She had accepted her seclusion with resignation. A veritable bedlam of chirruping. Now, chirruping is the sound made by birds. So, a veritable bedlam of chirrupings, it refers to the noise and chaos caused by chirrupings of sparrows. A veritable bedlam kya hota hai? A lot of noise that is made in a madhouse. Kisi bhi pagal khane mein jo bahut sari awazein hoti hain, that is called veritable bedlam. So, the chirruping of sparrows is compared to veritable bedlam. पागल खाने में जो आवाजें होती हैं, mad house में, lunatic asylum में जो आवाजें होती हैं, उसको किससे compare किया है? Chirruping of sparrows, sparrows की आवाज. Frivolous rebukes. Frivolous rebukes refers to
the light-hearted scoldings of grandmother to the sparrows. So the grandmother used to scold the sparrows very light-heartedly. बहुत हल्के हल्के मन से she used to scold the sparrows. Okay? Not being very rude. She did not act very rudely. But बहुत ही soft मन से she scolded the sparrows. और जो वो scolding होती है उसको बोला गया है frivolous rebukes. Sagging skins of the dilapidated drum. Now sagging means loosely held. Okay? Skin of the dilapidated, old and worn out, dilapidated drum. It refers to the shabby condition of the worn out drum. So drum ki ajeeb si shabby condition, gandhi si condition jo ho rahi thi, it was old and worn out. Uska jo skin thi, it was loosely held. So it is referred to as sagging skins of the dilapidated drum. So this was all about the introduction, word meanings and references from the chapter. We will start with the chapter tomorrow. So be prepared and read the chapter once. Hope you have understood the introduction. Thank you so much, children.